अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड द कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन विच वी आर लर्निंग अबाउट फ्लटर ऐप डेवलपमेंट। टुडे वी हैव टू लर्न हाउ वी कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स इन फ्लटर। बटन्स को भी हम विजेट्स ही कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स देखें किस तरह से हम फ्लटर में क्रिएट कर सकते हैं विद कोड एग्जाम्पल, यानी उसे रन करके भी देखेंगे। इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं टेक्स्ट बटन होगा, एलिवेटेड बटन, आइकन बटन, आउटलाइन बटन एंड ड्रॉप डाउन बटन। विजेट्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्रिएटिंग यूजर इंटरफेस। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट यानी बटन्स भी विजेट्स होते हैं, और बहुत सारे विजेट्स फ्लटर में यूज करते हैं। छोटे छोटे विजेट्स मिलकर एक आपकी ऐप बनाते हैं। Now let's see, there are several types of buttons in Flutter, and the first one is text button. Widget is a text button that is typically used for less prominent actions. आपने बटन देखा होगा जिस टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, या आप उसको जस्ट उसके ऊपर कर्सर लाते हो या क्लिक करते हो तो वो क्लिक होता हुआ एलिवेट होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो उसे कहते हैं हम टेक्स्ट बटन। और यहाँ पर उसका सिंटेक्स, जो मेन सिंटेक्स है, पूरा कोड भी दिखाती हूँ आपको विद एग्जाम्पल। तो जो है टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन जैसे आप जो भी बटन यूज करेंगे उसका नेम आएगा ऑन प्रेस्ड। यहाँ पर ऑन प्रेस्ड मेथड कॉल किया है। आप ऑन प्रेस पर जो भी एक्शन स्पेसिफाई करना चाहें कि अगर बटन क्लिक करते हैं, इस टेक्स्ट बटन को क्लिक करें तो कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। और टेक्स्ट बटन के चाइल्ड में आप उसका टेक्स्ट, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होता है, वो टेक्स्ट भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर वॉइड मेन। अच्छा जी, अगर आप यही वाला मेरे वाला जो कोर्स है वो फॉलो कर रहे हैं, तो हमने मेन और ये सारे जो विजेट्स वगैरह हैं, स्टेटलेस हो, स्टेटफुल विजेट्स हो, उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। ये मेन जो एंट्री पॉइंट है, जस्ट मैं थोड़ा सा गो थ्रू करती जाऊंगी, पूरा एग्जैक्टली नहीं मतलब डिटेल में नहीं जाऊंगी। एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का, और माई ऐप जो आपके विजेट का नेम है, स्टेटलेस जो विजेट है और स्टेटलेस विजेट क्या होता है और स्टेटफुल विजेट क्या होता है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। या स्टेटलेस विजेट है वो क्रिएट किया गया, डिफाइन किया गया, जिसका नेम है माई ऐप। और यहाँ पर ऑन प्रेस्ड मेथड डिफाइन किया गया, क्योंकि बटन क्लिक करने के बाद ऑन प्रेस्ड पर जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा है ऑन प्रेस पर मुझे प्रिंट करके दे दे टेक्स्ट बटन जो है प्रेस्ड आ जाए, यानी ये स्ट्रिंग राइट की हुई दिखाई दे के बटन टेक्स्ट बटन प्रेस किया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करें, ओवरराइड करें हैं बिल्ड जो मेथड है वो रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप क्या है, मटेरियल डिजाइन का कंपोनेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और स्कैन फोल्ड, ठीक है, स्कैन फोल्ड के बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जो विजुअल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन कर, जिसमें ऐप बार, बॉडी वगैरह सारे विजेट्स आ जाते हैं। और ऐप बार जो आपको बार ऊपर दिखती है टॉप पर, उसका टाइटल रखा जाएगा, टाइटल होगा टेक्स्ट बटन एग्जाम्पल। और बॉडी सेंटर मैंने हाईलाइट किया है जो मेन कोड हमारा है, क्योंकि बाकी ये जो सारी कोड वाली चीजें, ये मैंने स्टार्टिंग में ही डिफरेंट विजेट्स में लेकर ही इसी तरह से टॉपिक को आई थी कि ये सारी चीजें आपको पहले पता चल जाए, क्योंकि हर बार ये चीजें यूज होने हैं, हर बार ये विजेट्स यूज होने हैं, तो ये विजेट्स आपको पता चल जाएंगे। तो आगे जो मेन मेन प्रोमिनेंट से जो विजेट्स हैं वो अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेन कोड आपका बन रहा है बॉडी यानी सेंटर की है, और सेंटर में आपने एक चाइल्ड बॉडी यानी चाइल्ड लिया है, स्कैनफोल्ड का टेक्स्ट बटन लिया है। अब टेक्स्ट बटन को जब ऑन प्रेस्ड पर, वो जो ऑन प्रेस मेथड है वो कॉल किया जाएगा, जो कि यहाँ पर था, तो उसका टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बटन ही होगा, जैसे कि है। जस्ट मैं इसे क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ और आप लोगों को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। इसका पर्पस जो है कोड का वो मैंने आपको बता दे। यहाँ पर मैं वीएस कोड यूज कर रही हूँ, लाइट वेट होता है। एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी जो स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स थे वो मैंने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पर करके दिखाए थे कि किस तरह से आप क्रिएट प्रोजेक्ट को करते हैं और रन कर सकते हैं। और कुछ हमने प्रोग्राम्स किए भी थे, उसे एग्जीक्यूट भी किया था। जस्ट मेन दो डार्ट की जो कोड फाइल है उसमें हम अपना जो है कोड राइट करते हैं, या फिर आपके पास कोड अवेलेबल है, क्योंकि फ्लटर के तो कोड पीसेस मिल जाते हैं, तो वो आप क्या है पेस्ट कर दें और जस्ट उसको क्या है रन का बटन होता है, तो रन करके आप इसे
आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ जस्ट ए कंट्रोल वी कर रही हूँ और कंट्रोल एस कर रही हूँ, और यहाँ पर आपने क्या करना है, रन में जा सकते हैं, टर्मिनल में नहीं, रन में जाएं और रन विदाउट डिबगिंग कर दें, या यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं रन विदाउट डिबगिंग। तो मैं यहाँ पर क्रोम यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एज भी यूज कर सकते हैं, विंडो बेस्ड है तो, और आपके पास इम्यूलेटर्स अवेलेबल हैं तो आप लोग, मोबाइल इम्यूलेटर है, ऑफलाइन इम्यूलेटर है, और ये कोल्ड बूट मोबाइल इम्यूलेटर है, आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, मैं जस्ट क्रोम यूज करती हूँ, मैं क्रोम इसलिए यूज कर रही होती हूँ, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी हो जाता है, जो होट रिलोडिंग का फीचर है ना वो इजिली अवेलेबल होता है, यानी अप्लाई हो जाता है। तो आप कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, जब एंड्रॉइड स्टूडियो में मैं कर रही थी तो तब भी मैं यही काम करती थी कि वहां पर भी क्रोम को यूज कर रही थी। आप फिजिकल डिवाइस भी यूज कर सकते हैं इसके साथ, जो एंड्रॉइड स्टूडियो पर हमने प्रोजेक्ट किए थे तो कुछ में मैंने फिजिकल डिवाइस भी अटैच करके आप लोगों को आउटपुट दिखाई थी कि किस तरह से आप लोग ले सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ये कोर्स 3 कंसीडर कर सकते हैं आप लोग, ये कोर्स 3 है तो वो मैंने अपलोड किया है। कोर्स 3 जो है, इसमें फ्लटर, डार्ट, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव और इस तरह के टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जो कि लेटेस्ट जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर। वेटिंग फॉर कनेक्शन फॉर डिबग सर्विस ऑन क्रोम आपके पास आ गया, चलें यहाँ पर ये आ जाए, थोड़ा सा टाइम लेगा, और बल्कि हमारे पास ऑलमोस्ट आ भी चुका है। तो यहाँ पर ये हो जाए तो मैं इसके आउटपुट आते तक यहाँ पर मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा देती हूँ किस तरह से शो होगा। जब भी मैं आप लोगों के नोट्स बनाती हूँ, ये नोट्स आप लोगों को पेड होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो ये भी मिल जाते हैं। तो जब भी नोट्स बनाती हूँ तो उसकी आउटपुट भी यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। ये देख रहे हैं आप, टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट दिख रहा है लेकिन बटन प्रोमिनेंट इतना ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आ जाए, ये आ गया आपके पास, ये देखें, ठीक है, बटन है, प्रोमिनेंट नहीं है, आप अपने साइज के मुताबिक इसे कर सकते हैं, बस इतना सा साइज आ रहा होता है। ये देखें, अगर मैं क्रोम है तो मैं इसको स्क्रीन का जो साइज है इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी कर सकते हो। सेंटर किया था बॉडी को, हमारे पास ऐप बार आप देख रहे होंगे कलर में, ठीक है, ऐप बार दिख रही है, और ऐप बार में हमने जो टाइटल था वो टेक्स्ट बटन एग्जांपल सेट किया था, और यहाँ पर देखे बटन जो है, देखे प्रेस हो रहा है, क्लिक हो रहा है, ठीक है, बटन क्लिक हो रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ठीक है, बटन क्लिक हो रहा है लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है। तो हमने कहा था जब लेस प्रोमिनेंट एक्शन होते हैं उसके लिए हम टेक्स्ट बटन को यूज करते हैं। ऑन प्रेस पर, अच्छा ये प्रेस कर रही हूँ, हमने एक स्ट्रिंग पास की थी तो आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, ये देखें, मैं इसे क्रॉस करती हूँ, मैंने बटन, टेक्स्ट बटन प्रेस किया था तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ गया 8 times मैंने टेक्स्ट बटन प्रेस कर दिया है। तो मैं यहाँ पर अगर 1-2 बार 3 बार और कर लेती हूँ तो यहाँ पर देखें 12 times आपके पास आ गया कि इतनी बार टेक्स्ट बटन प्रेस किया गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर थी एक स्ट्रिंग पास की थी और कहा था कि स्ट्रिंग ऑन प्रेस जो मेथड था उसमें मैंने प्रिंट करवाया था कि टेक्स्ट बटन प्रेस जो लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी बार कर रही हूँ तो उतनी बार मुझे वो दिखा रहा है कि ये टेक्स्ट बटन प्रेस किया गया है। अब ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट बटन के बाद, हमने डिफरेंट जो बटन्स है, एलिवेटेड बटन की बात कर ले, आइकन की, यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो पे किया था ये जब बना रही थी, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको काउंटेड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर एंड्रॉइड स्टूडियो पे करते हैं तो जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार आपको टेक्स्ट बटन प्रेस, टेक्स्ट बटन प्रेस इस तरह से दिखाई देगा एंड्रॉइड स्टूडियो पर। नेक्स्ट हमारे पास एलिवेटेड बटन है, दैट इज द मटेरियल डिजाइन बटन, मटेरियल डिजाइन के बारे में भी मैंने आपको बताया है, दैट एलिवेट्स व्हेन प्रेस्ड, जैसे ही प्रेस करते हैं एलिवेट होता ही नहीं, एक परमानेंट सा होता हुआ दिखाई देता है। अब इसका सेम उसी तरह से सेंटेक्स है, जैसे हमने टेक्स्ट बटन किया था यहाँ पर एलिवेटेड बटन आ जाएगा, और सेम उसी तरह से ऑन प्रेस जो भी मेथड आप यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मेथड में जो भी स्ट्रिंग करवानी है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, किसी और स्क्रीन पर एक्टिविटी पर जाना है, आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके चाइल्ड में आपने टेक्स्ट जो है उस बटन के अंदर जो दिखाई देगा वो आपने एलिवेटेड बटन, सेम उसी तरह का कोड है जस्ट मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, ऐप बार का टाइटल एलिवेटेड एग्जांपल और बॉडी सेंटर सेम वही कोड, और जस्ट ये वाला चाइल्ड में एलिवेटेड बटन आ गया, ऑन प्रेस पर ऑन प्रेस मेथड और चाइल्ड उसका एलिवेटेड बटन। अब यहाँ पर ऑन प्रेस पर मैंने मेथड में क्या स्पेसिफाई किया है, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है ऑन प्रेस मेथड जैसे ही कॉल करे तो यहाँ पर एलिवेटेड बटन प्रेस्ड आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है, ये आपके पास आ गया। चलिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को भी ओपन कर लेती हूँ, 1-2 मैं आप लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो पर भी करके दिखा दे किस तरह से करते हैं। इसके ओपन होने तक
मैं आपको यहीं पर ही दिखा देती हूँ वीएस कोड पर ओपन होते तक। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जस्ट मैं इस कोड को करने लगी हूँ कॉपी, और यहाँ वीएस कोड में आ जाए कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस। कंट्रोल एस हो गया, फ्लटर होट रिलोडिंग रिस्टार्टेड हुआ, वही जो मेरे पास ओपन था, मैंने जस्ट इसको ओपन किया। यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली होट रिलोडिंग का फीचर, जब हमने फ्लटर का कोर्स स्टार्ट किया था कि आपको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता ऐप को, जस्ट क्या होता है कि आपकी जो ऐप है ना वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है, यानी जहां चेंजेस करते हैं। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मैं लेकर आती हूँ कर्सर लेकर आती हूँ, एलिवेट करता है थोड़ा सा ना ऊपर उभार सा आता है, देख रहे हैं आप, ठीक है, एलिवेट करता है। अब जैसे ही मैं इसको एक बार क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास एलिवेटेड बटन प्रेस्ड आ रहा है, ठीक है, जितनी बार प्रेस करूंगी तो उतनी बार वो काउंट होता हुआ आपको दिखाई देगा, टू टाइम्स हो गया, ठीक है, टू टाइम्स, जितनी बार करूंगी यहाँ पर थ्री टाइम्स मैंने किया तो यहाँ पर देख रहे होंगे थ्री टाइम्स हो गया प्रेस। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग प्रेस करवाई थी ऑन प्रेस मेथड पर कि वो प्रेस प्रिंट करवा दे एलिवेटेड बटन प्रेस्ड, ये छोटा सा सेंटेक्स है, ऑन प्रेस पर आप जो भी मेथड स्पेसिफाई करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो, मैंने फ्लटर चैनल डेमो जो है उसके नेम से मैंने ऐप बनाई हुई है, वो पड़ी हुई है, तो जस्ट उसी को ही स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आपको प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट बटन की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आउटपुट भी पेस्ट की हुई है कि एलिवेट करता है। नेक्स्ट आ जाए एंड्रॉइड स्टूडियो पे किया था, अब आ जाए यहाँ पर आइकन बटन पर, आइकन्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं, जैसे लाइक का हो गया या कोई और भी आइकन हो सकता है। विजिट इज अ बटन दैट डिस्प्लेज एन आइकन, यहाँ पर भी ऑन प्रेस्ड मेथड पर, यहाँ पर देखें सेम वही कोड है, ऑन प्रेस्ड मेथड पर मैंने क्या किया आइकन बटन प्रेस्ड आ जाए, सेम उसी तरह से ऐप बार में टाइटल हमने किया है आइकन बटन एग्जाम्पल है तो आइकन बटन करेंगे, सेंटर बॉडी करके अब चाइल्ड में जैसे एलिवेटेड बटन राइट किया था या टेक्स्ट बटन राइट किया था तो यहाँ पर जस्ट आप आइकन बटन करेंगे। और आइकन कौन सा ले रहे हैं, अब यहाँ पर बिल्ट इन जैसे आइकन्स अवेलेबल होते हैं तो आइकन्स डॉट थंब अप, थंब अप का यहाँ पर आइकन ले रहे हैं, बिल्ट इन आइकन्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर मैं थम्स अप का जो है थंब अप का आइकन जो है वो ले रही हूँ। और ऑन प्रेस करने पर जो ऑन प्रेस मेथड ऊपर यूज किया है वो कॉल होगा और वो कॉल होते ही मुझे क्या दिखाई देगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी ए आइकन बटन प्रेस्ड की। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड, और यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल सी आपके पास है, अगर ये एग्जीक्यूट हो चुका है, ये टाइम ले रहा है अभी, ये इसमें है लाइब्रेरीज वगैरह होने वाली तो हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल जो होंगी वो देख लेंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और यहाँ पर देखें रीस्टार्ट हो जाएगी हमारी जो ऐप है खुद ही हो जाएगी, हमें रिफ्रेश वगैरह करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और यहाँ पर देखें आपके पास जैसे ही ये रिफ्रेश होता है फ्लटर होट रिलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई हो रहा है और आपके पास अभी जो थंब आइकन जो है वो आप लोगों को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये देख रहे हो थंब है, ठीक है, जस्ट इसको क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो आइकन बटन प्रेस्ड आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह से जितनी बार दो तीन चार पांच पांच बार कर दिया है मैंने, ठीक है, फाइव टाइम्स मैंने आइकन बटन को प्रेस किया है, तो ये इस तरह से थंब अप का है। आप और भी आइकन्स यूज कर सकते हैं, वो आगे हम फर्दर देखेंगे किस तरह से आइकन, जस्ट यहाँ पर आइकन बटन किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखें डिफरेंट टाइप्स के बटन है, ऑन प्रेस मेथड भी आ रहा है, आप इस पर अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड कर सकते हैं। डार्क प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आप लोगों को पढ़ाई है और उसमें किस तरह से फंक्शंस यूज करते हैं वो भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के अब वर्क है कि आप किस तरह से और क्या फंक्शनैलिटी इस पर करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए थंब वाला मैंने एरो किया है और करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी बार प्रेस करेंगे, मैंने कहा है एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार। अब आउटलाइन बटन की बात आ गई, आउटलाइन बटन विजिट क्रिएट्स अ बटन विद एन आउटलाइन बॉर्डर, में जैसा कि नेम ही बता रहा है कि आउटलाइन बटन है, यानी आउटलाइन आएगी आपकी बटन के सराउंडिंग में। तो यहाँ पर आउटलाइन जैसे दूसरे बटन राइट किए थे, यहाँ पर आउटलाइन बटन ऑन प्रेस मेथड स्पेसिफाई करोगे, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है जैसे हमने ऊपर स्ट्रिंग प्रिंट करवाई थी और चाइल्ड में आप उसका टेक्स्ट सेट कर सकते हो, यानी बटन के ऊपर क्या दिखाई देगा, ये इसका सिंटैक्स आ गया, यानी मेन कोड। बाकी सेम वही कोड है जो हम यूज कर रहे हैं और ऑन प्रेस पर,
क्या प्रिंट करेगा, आउटलाइन बटन प्रेस्ड। सेम उसी तरह से ऐप बार में टाइटल एक चेंज कर दिया, ठीक है, वही कोड। चाइल्ड में आउटलाइन बटन, उसमें ऑन प्रेस पर ऑन प्रेस मेथड कॉल करो और उसका टेक्स्ट सी ए सेट कर दो। जस्ट इसको कंट्रोल सी करेंगे हम, कंट्रोल सी, और आ जाओ एंड्रॉइड स्टूडियो में। हो चुका है, हाँ एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा ओपन हो चुका है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट, ये प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने प्रोजेक्ट यूज किया था क्रिएट करना ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वही प्रोजेक्ट है। जस्ट मैं क्या करूंगी, इसी कोड की जगह पर डार्ट डोमेन की फाइल जो है आपके पास जो है लिब के फोल्डर में होती है आपकी, ऑटोमेटिकली यही दो फाइल्स ही ओपन होती है, ठीक है। तो आप इसे डार्ट वाले मेन और डार्ट की फाइल है, जस्ट अपना कोड राइट करें, या आपके पास अवेलेबल है आप पेस्ट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे चेंज भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस कर रही हूँ, करने के बाद यहाँ से आप अपनी डिवाइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कह रही हूँ मेरे पास अभी कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, एच भी नहीं यूज कर रही मैं, विंडोज है तो डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्रोम करती हूँ। आप यहाँ पर फाइल जो है डिवाइस मैनेजर में जाकर, और यहाँ पर आपके पास जो इम्यूलेटर अवेलेबल है, आपको पता है इम्यूलेटर जरा टाइम लेता है प्रोसेसिंग में, तो इसीलिए मैं क्रोम यूज कर रही होती हूँ। अगर फिजिकल डिवाइस है तो वो भी यहाँ पर ही शो होगी आपको, जो भी फिजिकल डिवाइस, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं क्या करूंगी, पहले क्रोम को एज अ डिवाइस यानी रनिंग डिवाइस एमुलेटर के तौर पे सिलेक्ट करी, और यहाँ से जस्ट आपने क्या करना है, रन करना है, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है वो रन करेगा, और यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, हम उतनी देर क्या करते हैं उसके ओपन तक, ओपन होते तक यहाँ से इसकी आउटपुट देख लेते हैं, और बाकी नेक्स्ट जो है कोड उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि आउटलाइन था और आउटलाइन दिखाई देगी आपको, ये बटन देख रहे हैं यहाँ पर आउटलाइन आपके पास आ गई, ठीक है। ये आपके पास आउटलाइन बटन है, तो यहाँ पर देखेंगे आप आउटलाइन बटन आ गया। क्रोम जो है वो खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसे रनिंग में आएगा और जितनी बार उस बटन को प्रेस करोगे तो उतनी बार आपको प्रेस हुआ हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर वीएस कोड जब करते हैं, वीएस कोड में हमारे पास होता है ये जो आइकन बटन, जितनी बार करे हो, यहाँ पर भी अगर वही कोड पेस्ट कर देती हूँ, ये होट रीलोडिंग का फीचर है जो पहले से अवेलेबल है, जो मैं वीएस कोड में कर रही थी, यहाँ पर हम अगर कोड को रन करके देख लें तो आपके पास आउटपुट मैं आपको दिखा देती हूँ, उतनी देर एंड्रॉइड जो है एंड्रॉइड स्टूडियो जो है उसकी आउटपुट शो होते तक, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। और ये देखें आउटलाइन बटन है, और यहाँ पर देखें जितनी बार मैंने एक बार प्रेस किया है, तो यहाँ पर देखें आपके पास आउटलाइन बटन प्रेस दिखाई दे रहा है, जितनी बार प्रेस करूँ, एक दो बार और कर लिया है, तो यहाँ पर देखें आउटलाइन 3 times आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास वैसे एंड्रॉइड स्टूडियो रन हो चुका है, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। चलें इसको मिनिमाइज करके, एंड्रॉइड स्टूडियो वाला जो है ना कोड आ चुका है, और यहाँ पर देखो रन कर रहा है फ्लटर ऐप, इसको होने देते हैं पहले। ये फ्लटर चैनल डेमो के नेम से थी, ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो में जो मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है फ्लटर का, ये मैंने किया आप लोगों के लिए था कि कुछ कोड वगैरह जो है वो आपको इस पर रन करके दिखा दूं, या कुछ वीएस कोड पर रन करके दिखा दूंगी, तो आप सिंपल वे है, सिंपल वे में आप प्रोजेक्ट ये देखें, ये वही आउटपुट यहाँ देखें, आपको नेम भी दिखा दिया, और यहाँ पर एक दो तीन बार किया एंड्रॉइड स्टूडियो पर आ जाओ, देखो 3 times आपको यहाँ पर, इसको मिनिमाइज करते हैं, 3 times आपको प्रेस किया हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन एक बार प्रेस करते, एक दो बार और कर देते हैं, 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जितनी बार प्रेस करेंगे, वीएस कोड की जब बात करते हैं तो वहां पर काउंटिंग फॉर्म में आता है, और जब एंड्रॉइड स्टूडियो की बात करते हैं ना तो वहां पर इस टाइप का आता है। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, चाहे आप दोनों में से किसी पर भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन करें, लेकिन जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो एक स्पेसिफिकली एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया है, तो आप करें तो अच्छी बात है दोनों, लेकिन लाइट वेट वीएस कोड लग रहा होता है तो इसलिए हम वही यूज कर रहे होते हैं। आप इसमें से दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन। ड्रॉप डाउन आपने देखो, बटन को क्लिक करते नीचे लिस्ट निकल आती है, विजिट प्रोवाइड्स अ ड्रॉप डाउन मेन्यू फ्रॉम विच यूजर्स कैन सिलेक्ट अ सिंगल आइटम, इसमें से कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएं। सेम उसी तरह से यहाँ पर एक लिस्ट, अच्छी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाई है, अगर आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ के आते तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये फंक्शनैलिटी लिस्ट वगैरह मैपिंग वगैरह ये जो यूज की गई है यहाँ पर तो मुश्किल हो जाएगा। तो पहले डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़े, देन आप आए फ्लटर की तरफ। तो ये लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है फ्लटर में, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों लिस्ट सेट्स मैप्स
बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की गई है जिसके टाइप है स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, और उसका नेम है आइटम, उसे फाइनल किया गया, यानी इसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। और यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 जो भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्टेड आइटम जो है वो जो सिलेक्शन में रहेगा बाय डिफॉल्ट रहेगा वो ऑप्शन 1 ही रहेगा। आपने देखो कि लिस्ट बनी होती है लेकिन कोई एक सिलेक्ट 1 या इस तरह से कोई भी ऑप्शन होता है वो सिलेक्टेड आ रहा होता है, बाकी आपने बाद में करना होता है। अब यहाँ पर आ जाए, वही बिल्ड मेथड ओवरराइड होगा, मटेरियल ऐप रिटर्न होगी, स्कैफोल्ड होगा। अच्छा जी, यहाँ पर ऐप बार उसका टाइटल मैंने सेट कर दिया। अब बॉडी सेंटर है, यहां से मेरा काम आ रहा है, ये देख रहे हैं, यहां से वही डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किस तरह से। अच्छा, ये है चाइल्ड ड्रॉप डाउन बटन, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, वैल्यू सिलेक्टेड आइटम ऑन चेंज्ड, और सिलेक्टेड आइटम जो है उसकी पहले जो वैल्यू है वो सिलेक्टेड आइटम है, और सिलेक्टेड आइटम मैंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, ऑप्शन 1 किया हुआ है, ठीक है। तो ये आइटम सिलेक्टेड है, ऑन चेंज्ड, चेंज करने पर एक न्यू वैल्यू ले ले वो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नल वैल्यूज का, अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं करते तो नल वैल्यू होते, नलेबल होता है, यानी न्यू वैल्यू नलेबल है, अगर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू ऑप्शन 1 सिलेक्ट की हुई है तो वही रहेगी, ठीक है। तो ऑन चेंज करने पर अगर न्यू वैल्यू नल नहीं है तो वो सिलेक्टेड जो नई वैल्यू सिलेक्ट करता है वो उसकी सिलेक्टेड आइटम में स्टोर हो जाए, यानी वो बन जाए। पहले तो मैंने ऑप्शन 1 को किया हुआ है ना, लेकिन न्यू वैल्यू जो हमारे पास है फिर वो बन जाए और प्रिंट कर दे सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड आइटम जो भी उसने सिलेक्ट किया है वो आपको दिखा दे, चाहे वो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है। इसी तरह से मैप करेगा, यानी हर आइटम पे अब मैप जो है, मैंने जो लिस्ट बताया था, लिस्ट है, सेट्स हैं, मैप है, उसके बारे में सारा मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो भी इसी तरह से वर्क करेगा। तो मैप आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग जो है आइटम पर इट्रेट करवाने के लिए, कि हर आइटम पर इट्रेट करेगा और उसको डिस्प्ले करेगा। ड्रॉप डाउन आइटम स्ट्रिंग टाइप का है और आइटम आपको करेगा, और उसमें क्या है आप उसका नेम लिख सकते हैं आइटम, और उसको देन अगेन लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, अगेन उसी लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो टू लिस्ट वाला ये पूरा जो कोड है ये हमने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया था। अब यहाँ पर आ जाओ, यही कोड मैं जस्ट इसको कॉपी करती हूँ और कंट्रोल सी, और हम ले लेते हैं इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में कंट्रोल ए, कंट्रोल बी और कंट्रोल एस कर देते हैं। तो यहाँ पर होट रीलोडिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होने के बाद आपको क्या दिखता है, लेट्स सी, ये आपके पास आ गया और ये प्रोसेस हो चुका है। यहाँ ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करें तो देखें आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू। अच्छा, मैं इसे छोड़ती हूँ तो देखो जरा, ऑप्शन 1 सिलेक्टेड है। अगर मैं जस्ट इसकी जगह ऑप्शन, चले पहले देख लेते हैं, ऑप्शन 1 है, और जैसे ही मैं कोई ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ ऑप्शन 3, और हमने कहा था कि वो कर देंगे सिलेक्टेड की जगह पर, यहाँ पर मैं कोड दिखाऊं आपको, वो सिलेक्टेड की जगह पर दिखा, यहाँ सिलेक्टेड की जगह पर सिलेक्टेड आइटम दिखा दे जो है, और पहले सिलेक्टेड आइटम जो था वो इनिशियलाइज करवाया हुआ था ऑप्शन 1 से, क्योंकि अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो देखें यहाँ पर ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा है। अगर मैं सिलेक्टेड आइटम में जस्ट यहाँ पर आइटम 2 कर देती हूँ तो, और कंट्रोल एस करते हैं हम यहाँ पर, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो सिलेक्टेड आइटम में 2 आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो फिर करेंगे, और इसके अंदर आप और भी ऑप्शंस, इसको जस्ट कॉपी कर रही हूं मैं, ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पर कोमा, और यहाँ पर एक आ गया ऑप्शन 4 कर देते हैं। इसी तरह से आप अपनी जो लिस्ट में है वो ऑप्शंस बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, कंट्रोल एस कर दो, ऑप्शन 5 है, आप नेम वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं ऑप्शन 1 ही कर देती हूँ, या एक आप कुछ खुद भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी सिलेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पर रीस्टार्ट होगा, और यहाँ पर आप लोग देखें बाय डिफॉल्ट में ऑप्शन आ रहा है, ये देखो मैंने 5 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए, तो जो भी ऑप्शन 4 जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखोगे तो सिलेक्टेड में ऑप्शन 4 आपके पास आ गया, जो कि मैंने कोड राइट किया था, अगर नल नहीं है सिलेक्टेड आइटम जो न्यू वैल्यू ले ले, और आपको सिलेक्टेड के बाद वही वैल्यू दिखाए कि क्या सिलेक्ट किया है आपने, और हर आइटम पर इट्रेट करे, उसके बाद अगेन उसको लिस्ट में, अब देखें यहाँ पर खुद ही उसने वही लिस्ट में हर आइटम को, चाहे मैंने किया था लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया, उसको लिस्ट में टू लिस्ट में, यानी कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है, ये देख रहे हो कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से कोई भी आइटम आप 3 ले लो और यहाँ से सिलेक्ट करोगे, देखो आइटम 3 है, ठीक है। इससे अब आइटम की जगह पर ऑप्शन में आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ये इस तरह से आप ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने राइट भी किया हुआ है ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पर 3 मेन्यूज की बात हो रही है। सो वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज लेक्चर हियर इन विच वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स लाइक टेक्स्ट बटन, एलिवेटेड बटन, आइकन बटन, आउटलाइन बटन एंड ड्रॉप डाउन बटन। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।